गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे फूल, जो मतलब कल बारिश हुई ना, बारिश की वजह से जो है ये फूल वगैरह थोड़े से मुरझा से गए हैं। और अभी जो है धूप लगी हुई है, अभी जो है बहुत अच्छी धूप लग रही है। अभी धूप लगने से क्या होता है कि फिर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है धूप लगने से। तो फ्रेंड्स, मेरे इंडोर प्लांट्स वगैरह बारिश के बाद धुलने के बाद बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये है स्पाइडर प्लांट्स। और फ्रेंड्स, और ये वाला जो प्लांट है, इसमें अभी बरसात में इसमें येलो कलर के फूल बहुत ही अच्छे आएंगे। और ये है इंडोर प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, ये जो पोर्चुला का है, इसमें भी फूल आ गए हैं। अभी बरसातों में इसमें जो है बहुत ही अच्छे फूल आते हैं। और ये मैजेंटा कलर के फूल आए हुए हैं इसमें, तो ये बहुत ही सुंदर कलर है। और मेरे पास वाइट और शेडेड वाले भी हैं कलर। और ये देखिए वाइट और ये शेड वाले, और ये मैजेंटा। फ्रेंड्स, अभी मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और लंच में मैं बना रही हूँ आलू और बड़ी की सब्जी, तरी वाली बनाऊँगी। और चावल बड़ी जो है वो हमने घर में ही बनाया हुआ है, वो है माँ की दाल का बनाया हुआ है। तो फिर अब मैं बनाती हूँ बड़ी की सब्जी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने प्याज काट लिया हुआ है। तो मैं बनाऊंगी सरसों के तेल में। और ये फ्रेंड्स टमाटर की प्यूरी है, मैं ये टमाटर की प्यूरी डालकर बनाऊंगी सब्जी। तो फ्रेंड्स, मैंने प्याज और ये है इसमें हरी मिर्च बारीक काट कर डाला है, इसको मैं भून रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा लंच जो है बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है, अभी जो है हमने चाय वगैरह पी ली है। तो अभी मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो आज मैं डिनर में बनाऊंगी वेज मोमो। तो मैं मोमो बना रही हूँ आज लौकी और घिया का, और इसमें मैं मिक्स करूंगी न्यूट्री। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आज मोमो जो है किस तरह से बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आज बनेगा लौकी का मोमो, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। और मैंने जो है यहाँ पर ये देखिए न्यूट्री को भी मैंने जो है गर्म पानी में इसको भिगाने के लिए रखा है। तो फ्रेंड्स, मैंने 3-4 प्याज लिए हैं बड़े, इसको बारीक काट लिया है। और ये
लौकी है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और न्यूट्री है, और न्यूट्री को भी मैंने बारीक जो है मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, और अदरक को भी जो है, ये अदरक है, अदरक को मैं कूट रही हूँ। अदरक जो है आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और मैंने लिया है ये लहसुन की कलियाँ, छोटे छोटे 5-6 लिए हैं मैंने लहसुन। तो फ्रेंड्स, मैं ये जितने भी मिक्सचर है इन सबको मैं जो है फ्राई कर रही हूँ घी में। आप इसमें बटर भी डाल सकते हो और थोड़ा सा देसी घी भी, तो इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक जो मैंने बारीक कूटा हुआ है, और थोड़ा नमक। अब इन सबको मैं थोड़ी देर के लिए इनको मैं फ्राई करूँगी ताकि इनमें कच्चापन न रहे, बस फिर इसको ठंडा करके अब ये तैयार है। तो फ्रेंड्स, मैंने मैदा भी गूंद लिया है, और यहाँ पर जो है ये सब्जियाँ वगैरह जो है इसको भी मैंने फ्राई करके रख लिया है, और अब ये हो गया है ठंडा। तो अब करते हैं शुरू। तो मैं अचार बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और अचार बनाने के लिए मैं जो तिल को भून रही हूँ, अब इसमें मैं मिक्स करूँगी टमाटर, और ये है हरी मिर्च, तो फ्रेंड्स अब मैं जो है मोमो बना रही हूँ, तो बस अब हमारा जो है मोमो अब बनकर तैयार है। और जो है मैंने ये तिल और टमाटर की जो चटनी है इसको भी पीस लिया हुआ है। और फ्रेंड्स अब हमारा मोमो जो है बनकर तैयार है।